अलग करके पैकेट में पैक करके मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है ये आपका फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है विद प्लांट शिफ्टर के साथ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना रॉ मटेरियल डाल देना है। रॉ मटेरियल क्या है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिजनेस ऐसा जो कमा के दे आपको पैसा। जी हाँ, हाजिर हो गया हूँ नए बिजनेस और नए रोजगार के आइडिया लेके आप लोगों के सेवा में। जी हाँ, आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से एक बेहतरीन और नए रोजगार के बारे में। जी हाँ, मौजूद है बरेली में। जी आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं, ये लगा हुआ आपका एसके इंजीनियर्स में हम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मिलने वाली है आपको एक ही छत के नीचे 2000 तरह से बिजनेस से रिलेटेड मशीनें, सारी मशीनें यहाँ पे मौजूद है। अगर आप फ्लोर मिल का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, अगर आप आटे, अगर आप मसाले का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, या फिर अदर प्लांट की बात करें, सर्जिकल बैंडेज का प्लांट हो गया और बहुत सारे प्लांट होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने सारे प्लांट यहाँ पे मौजूद है। आप नजर डाल सकते हैं, सारे प्लांट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक मशीनों की प्रदर्शनी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आज से लेके आपका 28 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें आपको मशीनें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको बात करने वाला हूँ मिनी फ्लोर मिल प्लांट के बारे में। जी हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक मिनी फ्लोर मिल आज आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कैसे इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इसे चला सकते हैं। तो आज बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी देर ना करें, मैं आपको लेके चलता हूँ प्लांट की तरफ। आप सामने देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है आपको सिंगल चक्की का फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट विद प्लांट शिफ्टर के साथ। जी हाँ, इसमें प्लांट शिफ्टर भी दिया गया है, जिसमें आप आटे को बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छी क्वालिटी में उसको छान सकते हैं, साफ कर सकते हैं, जिसमें चोकर और आटे अलग करके पैकेट में पैक करके मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है ये आपका फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है विद प्लांट शिफ्टर के साथ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना रॉ मटेरियल डाल देना है। रॉ मटेरियल क्या है आपका? गेहूं। गेहूं आप अनाज मंडी से परचेस कर सकते हैं, और इसमें आप अनाज मंडी से परचेस करके इसके अंदर रख के अपने रॉ मटेरियल को उसको साफ करके और क्लीन करके और पीस के पैकेट में पैक करके मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो मैं आज प्लांट के बारे में बता देता हूँ कैसे प्लांट वर्क करता है। सबसे पहले तो एक एलिवेटर का यूज होता है। एलिवेटर का यूज इसलिए किया जाता है, जो आपका गेहूं होता है वो गेहूं को उठाता है, यहाँ से उठाने के बाद इस क्लीनिंग सेक्शन में डालता है, जो गेहूं को साफ करता है अच्छे से। इस क्लीनिंग सेक्शन के जो आप मान के चले, इसमें ऐसे गंठल हो गया, पत्थर हो गया, बजरी हो गई, या फिर कोई लोहे के आइटम वगैरह भी गेहूं के अंदर चले जाते हैं, वो भी अच्छे से यहाँ से साफ हो जाएंगे। साफ होने के बाद गेहूं एमरी रोलर आ जाएगा। एमरी रोलर का क्या यूज होता है? एमरी रोलर का यूज करा जाता है जो गेहूं पे से उसकी मात्रा जो होती है छिकल की, वो कम करा जाते हैं, ताकि आटे में व्हाइटनेसपन आपके आए। ठीक है, वहां से फिर ये क्लीनिंग सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक और क्लीनिंग लगा रखी है, जहाँ से आप यहाँ पे और अच्छे से गेहूं को साफ करेंगे, जैसे कि उसके अंदर कोई भी और भी डस्ट होगी वो यहाँ पे अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपका एलिवेटर आपके गेहूं को उठा के इस क्लीनिंग आपका स्टोरेज टैंक में डाल देगा। या आप स्टोरेज टैंक की तरफ नजर डालेंगे तो ये आपका 15 से 20 क्विंटल एक बार में स्टॉक कर देता है गेहूं को। और इस चक्की की तरफ नजर डालेंगे तो आपका ये 30 इंची की चक्की है। इसकी कैपेसिटी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 10 HP की मोटर आप इस प्लांट पे लगाते हैं, चक्की पे लगाएंगे, तो आपका 250 से 300 किलो एक घंटे में देगी। अगर आप 15 की लगाएंगे तो 300 से 350 किलो एक घंटे में आपका आटा निकाल के देगी। उसके बाद यहाँ से आटा पीसने के बाद इस साइक्लोन सिस्टम द्वारा उठ के इस प्लांट शिफ्टर में आ जाएगा। जी हाँ, ये आप बॉक्स में देख रहे हैं, ये 8 जाली के अंदर बना हुआ है, पूरा प्लांट शिफ्टर है। यहाँ से आपका आटा होगा, गुजरेगा, छनेगा अच्छी तरीके से, आपका फ्रेश आटा अलग हो जाएगा, चोकर अलग हो जाएगा, उसे आप पैकेट में पैक करके मार्केट में सप्लाई करके एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप प्लांट देख रहे हैं कितनी कम जगह, कितनी कम स्पेस में आपका ये लग जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ रॉ मटेरियल मार्केट से परचेस करना है, अनाज मंडी से आपको गेहूं को परचेस करना है, और उस प्लांट को लगाना और स्टार्ट करना है, और बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने कम स्पेस में लग जाएगा। कोई भी इसे कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी इसको आप लगा सकते हैं, चाहे आप किसी गाँव में, शहर, कस्बा या कहीं से भी आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो आसानी से उसको शुरू कर सकते हैं। साथ ही हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हो गए या यूपी या बिहार से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं जैसे हम ये प्लांट परचेज कर लें तो उसकी ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, कैसे हम इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एसके इंजीनियर द्वारा आपको ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको ये बताया जा रहा है आप इस प्लांट को कैसे चला सकते हैं, कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसको आपको फुल ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही दोस्तों ऑफर भी चल रहे हैं, स्कीमें भी चल रही हैं, स्कीमें भी बहुत सारी आई हुई हैं, कुछ सरकार की स्कीमें भी चल रही हैं, उसके तहत आप इस प्लांट को परचेज कर सकते हैं। तो स्कीम के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जी हां इस प्लांट पे आपको 25,000 से 50 लाख रुपए तक का सब्सिडी लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है बैंक के थ्रू। अगर आप इस प्लांट को परचेज करना चाहते हैं तो अपने बैंक में संपर्क कर सकते हैं, इस योजना के बारे में आप बताएंगे, वो आपको पूरी डीपली आपको पूरी जानकारी दे देंगे, क्या क्या कोटेशन, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगी, वो आप कंपनी से प्रोवाइड करा सकते हैं, कंपनी से आप ले सकते हैं, और स्वयं अपना लोन करा के इस प्लांट को परचेज करके एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ऑफर भी बहुत सारे चल रहे हैं, हर प्लांट पे यहाँ पे ऑफर चल रहा है, अलग अलग ऑफर, अलग अलग स्कीमें भी हैं।
साथ ही अगर आप इस प्लांट को ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं या आप कंपनी बरेली विजिट करना चाहते हैं तो एसके इंजीनियर्स का बोर्ड नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपको नंबर दिख रहे होंगे, आप इन नंबरों पर कॉल करेंगे, यहाँ पे हमारे कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव आपकी कॉल को रिसीव करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए और बेहतरीन रोजगार आइडिया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।